गिरावट आई है आज, करीब 3% इंडेक्स टूटा है। वजह क्या है बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद जरा जल्दी से बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3% की गिरावट आई है, सबसे बड़ी फॉल एक महीने में देखने मिली है। लेकिन इसके कारण क्या है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले ऑफकोर्स एसेंचर की अपडेट आई थी, वहाँ पे जो है हम देखा था कि थोड़ी डिले हुई थी बल्क प्रमोशन से। फेड दरों की जो कि कम कटौती के अनुमान का भी दबाव देखने मिल रहा है, एक्सपेक्टेशंस 50 बेसिस पॉइंट्स की थी, अगर 20 बेसिस पॉइंट्स आया तब थोड़ी आईटी में प्रेशर आ सकती है। ग्लोबल स्लोडाउन की भी चिंता है, इस पे भी ओवरऑल जो है अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होती है उसके बारे में बताऊंगा, जहां पे एक अनिश्चितता देखने मिल रही है और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए इस बार वीक देखने मिल सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी टुवर्ड्स द हायर साइड जो है वैल्यूएशंस की अब देखने मिल सकती है। और अगर हम देखें FY26 की पी आंकड़ों के बारे में तो TCS 27 टाइम्स पे है, HCL Tech 24 टाइम्स पे है, विप्रो जो है 20 के नीचे है। हालांकि LTI, Mindtree, Infosys, Tech Mahindra ये हायर साइड अपने वैल्यूएशंस पे है, अगर अपने 5 साल के एवरेज लेवल्स को भी देखें तो। वैल्यूएशंस के बाद आगे जाते हुए क्या कुछ पॉजिटिव देखने मिल सकता है आईटी सेगमेंट में, इन पॉइंट्स के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिकवरी देखने मिल सकता है। जेन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उस पर एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उसके कारण भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आईटी कंपनियों की तरफ से बीच बीच में आते रहता है। रेट कट एक्सपेक्टेशंस तो इस मीटिंग में है ही जो आज होने वाली है FOMC, उसके अलावा भी और रेट कट्स देखने मिल सकता है। और याद रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक कमज़ोर रुपए, उसके कारण जो ये बिलिंग्स करते हैं ये डॉलर में करते हैं आईटी कंपनीज, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है लॉन्ग रन में। ये है पूरी लेखा जोखा आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स पैक्स में आज क्यों गिरावट हुई है और आगे जाते हुए क्या हो सकता है। ठीक है राहुल सर, पहले तो शरद शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अच्छे रिसर्च थी और आपने टाइमली सब चीज़ नोटिस करवा दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। राहुल सर जरा इन्फोसिस पे देखना ये और टूटेगा क्या आज, TCS, इन्फोसिस, SL Tech, विप्रो, LTI, Mindtree, एम्फेसिस, कफोर्ज, सब के सब टूटे हैं, एक साथ टूटे, कोई शर्म नहीं हुई आज। जी बिल्कुल, एक तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने इनफैक्ट अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो ये एक अर्ली साइन है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का। और कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग 50 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 40,600 तक आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस में आई थिंक लॉन्ग्स अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पर हमें लगता है कि बेरिश सेटअप यहाँ पर क्लियरली प्लेआउट होता हुआ दिख रहा है, जो कि आईटी में इनफैक्ट इन्फी में हमें 1830 तक के लेवल्स नीचे में दिखा सकता है। तो 1830 के बायस के लिए आप यहाँ पर बेरिश व्यू रखें। अगर आपने शॉर्ट करना है तो यहाँ पर फ्यूचर्स के हिसाब से जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा 1929 का बनेगा और हमें लगता है कि तकरीबन 60-70 पॉइंट्स का करेक्शन इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है।